होला फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब होला। तो मैं नेटफ्लिक्स की सीरीज देखते देखते स्पेनिश, कोरियन, दुनियादारी, मैं खुद की लैंग्वेज भूल चुका हूँ, देशद्रोही। खैर जोक्स अपार्ट, तो आज का हमारा जो गेम प्ले वो होने वाला है BGMI के ऊपर। BGMI खेलेंगे और आज के गेम थोड़ा डिफरेंट खेलेंगे हम। आज कोई रेंगल प्रेंगल नहीं खेलेंगे, मतलब बहुत बड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम वाला नहीं, क्विक मैच खेलेंगे, क्विक मैच, और देखते हैं क्विक मैच में से कितने मैच हम जीत पाते हैं। तो आई विल प्ले 3 गेम्स और 3 गेम में हम देखते हैं कि क्या वाकई में कोई गेम जीत पाता है। अगर पहला ही मैंने जीत लिया तो आगे को 2 नहीं खेलूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और अपन को करना है बिजनेस। खैर तो इसी के साथ मैं बता दूं यार, ये मेरी पहली गेम प्ले वीडियो है फेस कैम के साथ। तो सब्सक्राइबर तो 5 ही हैं, तो खैर देख लो यार, अपने हिसाब से लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर लो। खैर तो हमारा जो कैरेक्टर है वो अप टू डेट हो चुका है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा ड्रेस मैंने उसे पहनाया है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। खासकर इसके जो टोपी लगी है, ये जो केक वाली, मुझे नहीं पता ये कैसी आइसक्रीम जैसी है, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी यार। तो एक लाइक इसके लिए। और यार एक बात शेयर करता हूँ मैं आपसे यार, मैं इतने दिन से BGMI खेल रहा हूँ, पबजी खेल रहा था। BGMI तो अभी आया, इससे पहले मैं पबजी खेलता था। आज तक मुझे समझ नहीं आया भाई, इतने सारे जो क्रेट बॉक्स, दुनियादारी, इन्वेंटरी, दुनियादारी, इतने अचीवमेंट कौन करता है भाई? मतलब कौन इतना वेला बैठा है? मुझे ये पता है कि 25 साल के नीचे ही सारे के सारे गेम खेलते हैं। कौन इतना वेला बैठा है जो अपनी पढ़ाई छोड़कर इतनी सारी चीजें कंप्लीट करने में लगा रहता है? अब ये मत कहना कि तुम हो उनमें से। तो क्या मतलब कि तुम हो उनमें से? खैर तो बिना कोई चेंजेस करते हुए सीधे हम चलते हैं क्विक मैच के अंदर। आपको पता है कि आपका भाई कैसा खेलता है, ऑटो मैचिंग हटा के खेलता है। तो ऑटो मैचिंग सबसे पहले हटा देते हैं और फिर खेलते हैं क्विक मैच। तो यहाँ पे करते हैं स्टार्ट घुसते अपने क्रिकेट BGMI के अंदर। होता था 90s के जमाने में एक प्रॉफिट था यार, टेक्नोलॉजी कितनी भी ग्रो हो गई हो पर 90s के जमाने में एक बात थी कि उस टाइम पे ना, एक सेकंड, लैंडिंग अच्छे कर ले वरना उतरते उतरते हम मर जाएंगे। अरे भाई लो हो गया आफत। ओह और मैंने वाईफाई वाला कीबोर्ड लगा के रखा है, हाँ काफी अमीर है हम, तो इसकी वजह से मेरा जो है CPU नीचे रखा है तो मैं ऊपर पकड़ नहीं पा, मतलब आई मीन बटन्स नहीं कैच कर पा रहा है। जल्दी से उठा, ये भाई साहब क्या कर रहा है भाई, पहले मैच में मरवाएगा क्या? जल्दी चल, जल्दी चल, पट्टे चक दे, पट्टे चक दे और गन मिल जा भाई। ये है मिंटास जिंदगी, हमें गन नहीं मिली और वो बंदा मुझे पता है, अगर उसने मुझे देखा होगा तो भाग के यहीं आएगा, क्योंकि वो मुझे मेरे सर में गोली मारेगा सीधे। वाह भाई वाह, मतलब बराबर की फाइट देखने को मिलेगी लग रहा है आज। क्या करें क्या करें, से रहे जाने दे। भाई 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 भाई, ये रहा अपना भाई। वाह भाई सब वाह, मतलब नूब इंटू टेन, मतलब मैं ही हूँ यार जिसे नहीं मिला, ये मैच मजेदार होने वाला है।
वाह भाई वाह, मतलब चकने पत्ते पहला मैच हार गया। वैसे मुझे लगा कि इसमें गनवन मिलेगी यार, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो चलो फिर एक मैच तो कंप्लीट हुआ, यह मैच तो ऐसे ही हार गए, ज्यादा बड़ा मैच था नहीं। अब दूसरा खेलते हैं जिसमें हमें गन मिलेगी। मुझे लग रहा था कि मुझे गन मिलेगी, मैं इस चक्कर में था, लेकिन मुझे गन नहीं मिली। जस्टिस फॉर शुभम यादव। राउंड 2 फाइट। ओके, बैक टू द पॉइंट। कहाँ पे हम जा रहे हैं यार? हाँ, दूसरा खेलना है ना, और ये हम दूसरा स्टार्ट कर चुके हैं। हाँ, तो मैं पहले बता रहा था यार, 90s के जमाने में होता था, 90s के जमाने में ऐसा होता था ना यार कि टेक्नोलॉजी कितनी भी ग्रो हो गई, 90s के जमाने में सिंपल से बताता हूँ। 90s के जमाने में क्या होता था कि हम 1-to-1 इंटरेक्शन से ही सारी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती थी। मतलब हम दोस्ती की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली उधर लड़कीबाजी में मत ले जाना, लेकिन अभी क्या ना कि हाँ वो भी केस है। तो उस टाइम पे क्या नाम किसी को भाई 1-to-1 देखते थे, 3D में देखते थे। अब तो साला 2D में देख के दोस्तियां होती है, 2D में मतलब ऐसा जाओ खेल लो दोस्ती हो गई। तो मैं वो मिस करता हूँ गली क्रिकेट की तरह जब हम जाते थे, जो होता था प्रॉपर, उसमें सिग्नल लैग करने का कोई मतलब नहीं होता था। यहाँ पे सिग्नल लैग कर जाए दोस्ती खत्म। खैर, तो वापस आ चुके हैं, हम देखते हैं कहाँ उतरते हैं, कौन सी सेफ जगह है, क्योंकि अपन उतने प्रो प्लेयर नहीं है जितना देखने में लगते हैं। क्या बोला, देखने में भी नहीं रखते। चढ़ जा पुत्तर, जिले अपनी जिंदगी। फिर वही वाला ना हो यार, आई होप नहीं वो वाला नहीं है। यहाँ पे गन्स मिलेंगी बकायदा, रियल गन्स। ओके, ऑलराइट, तो है किधर गन भाई, जब मिलेगी। अरे भाई, पहली गोली चल गई। जल्दी कलेक्शन कर लेते हैं, इससे पहले कोई यहाँ पे प्रस्थान कर जाए, कोई आ जाए और वाट लगाए हमारी। हम उसकी वाट लगाने के लिए चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं, पर ऐसा लग नहीं रहा कि हमारे फेवर में दोबारा ये मैच होने वाला है। क्यों भाई, क्योंकि ये सब क्या है भाई? भाई ये नाइंसाफी है यार, ये नाइंसाफी है यार। मुझे क्यों गन नहीं मिलती भाई, मुझे गन चाहिए। अब मारे गए, भाई ये गलत बात है। नहीं, मुझे मरना नहीं है यार। मुझे मरना नहीं है। अबे भाई, ये क्या दुश्मनी है मुझसे यार। ये क्या दुश्मनी है भाई मुझसे, मुझे मरना नहीं है। ओए चकदे पट्टे, मिल गई गन। आप चलो मारते हैं बंदे, यहां पे था यार एक। हेलो, बहुत सही, पहले बंदे को मारा हमने और हमें मिली यहाँ पे कुछ हेल्थ। तो यहाँ पे हमने पहले बंदे को मार दिया है, और जैसे आपने देखा कि वो निहत्ता था, हम कितने बड़े बहादुरी वाला, मतलब कितना ज्यादा बहादुरी वाला काम किया कि निहत्थे बंदे पे गोली चला दिए, और खुद को हम तो समझ रहे हैं पर हम हैं, क्योंकि पता है एक, मैंने ऐसा एक इतिहास का एक फन फैक्ट शेयर करता हूँ। मतलब मुझे यार देखो ऐसा जज मत करना कि यहाँ पे मैं बैठ के इतिहास मैनिपुलेट कर रहा हूँ। अरे भाई, इससे पहले मैं अपना इतिहास बचा लूँ। वाह, अपना इतिहास तो मैंने बचा लिया भाई। तीन बंदे बचे,
आजा। दूसरा मैच भी हम हार चुके हैं और वापस से मुझे खेलना है यार। मुझे पता है जब थोड़ी सी ऐसा मतलब थोड़ा सा जब हारो ना मतलब एक मैंने मार दी थी उसे भी मैंने, बट मतलब कई बार होता है ना तुम बस मार ही देते हो सब, बस सामने मार ही देते हो कि अचानक से तुम्हें एक गोली मारेगा, एक गोली में तुम्हारा काम। खैर तो वापस से खेलते हैं एक दूसरा मैच और मान के रख लो हम ये तीसरा मैच खेलने वाले हैं और इस बार हमारी उम्मीद यही होगी कि हम मैच को जीते, वरना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाएंगे, हम नूब कैटेगरी में गिने जाएंगे। वैसे उसमें इतना कोई बुराई नहीं है, नूब हो तो भी एक अपने आप में एक प्लेयर हो यार। तो यार हम नूब्स को ऐसा परसीव करते हैं ना कि नूब जो होता है उसे हम इतना मजाक उड़ाते हैं, भाई वो भी तो प्लेयर ही होता है। वो नूब से क्या लेना देना भाई, वो प्लेयर है इससे लेना देना हमें, तो नूब को ऐसे भाई इस तरह से मत देखा करो। तो यार अपना नजरिया बदलो नूब की तरफ देखने वाला, थोड़ा सा उनको भी रेस्पेक्ट दो, भी प्लेयर्स ही हैं क्या ना, इसके बाद मैं नूब ही साबित हो जाऊंगा तो अपनी बेइज्जती बचा रहा हूँ। ओके तो वापस आ चुके हैं और तीसरा मैच है, आई होप कि इसमें कोई ऐसा अजॉल्ट राइफल मिले, क्योंकि पिछली बार सबसे पहले में तो हमें मिला था पैन, दूसरे में मिला था हमें शॉटगन और तीसरे में भाई कुछ अच्छा मिले जिससे हम खेलना जानते हैं भाई, थोड़ा सा मजा आए गेम में, बराबरी का मौका मिले। अरे तो हवा से कूद गया भाई, मरेगा क्या ये? अब की बार ये पिस्टल से तो नहीं होगा भाई, मुझे नहीं खेलना। नहीं अब की बार सारी चीज़ें की बार ऐसा नहीं होने वाला है। ओ भाई लव, भाई लव, प्योर लव भाई साहब। एक हाथ में कार 98, वैसे इसका पता नहीं अब नाम क्या रख दिया मुझे नहीं पता, पर शायद कार 98 जैसे ही कोई है ना, तो भाई अब आएगा मजा ना। आप बहुत सही ब्रो, बहुत सही ब्रो, बहुत सही। नहीं 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 नहीं, मारना नहीं, मारना नहीं भाई, अपन मरने के मूड में नहीं है। मेरे डिसीजन मेकिंग स्किल बहुत खराब है, मुझे डिसीजन मेकिंग स्किल बहुत खराब है यार। मैं सोच रहा हूँ कि मैं वो वाली गन लूँ या फिर ये वाली गन लूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर गोलियां मैं ज्यादा कलेक्ट कर लूंगा, अगर मान के रख लो कार 98 की गोलियां ज्यादा हो जाती तो अगर बाय द वे खत्म हो जाती तो मैं उसे चूज कर सकता था, और या तो फिर मैं 5.6 के साथ जाता, तो मैंने लास्ट में उसे चूज किया 5.6 में मौली, ताकि वो जो मेरे पास बुलेट है वो सिक्योर हो सके। बट इतना सारा कैलकुलेशन मैथमेटिक्स था जब मैं एक साथ लगाने लगा, उसी में तो मेरी वाट लग गई भाई। मैं सच में, मैं रियल लाइफ में भी मेरी ऐसी डिसीजन मेकिंग स्किल है, मैं इतना सोचने लगता हूँ कि आगे का डिसीजन लेता ही नहीं, और अच्छा खासा ये मैच मैं जीत सकता था। देखा था कितने बंदों को मैंने नॉक किया था, मतलब 3 फिनिशर्स अभी हो गए यार। आई नीड अ लॉट इंप्रूवमेंट। मैं सिर्फ गेम का नहीं, शुभम सिर्फ गेम का नूब नहीं है बल्कि रियल लाइफ का भी नूब है, आज के बाद साबित हो गया। शुभम इज अ नूब इन रियल लाइफ as well as in his game life, as well as in real life, दुनियादारी। मतलब शर्म आ रही है मुझे खुद पे, आज के बाद ऐसा मन कर रहा है कि ये सब गेमिंग मूवी छोड़ के मैं जाऊं और हिमालय के ऊपर मेडिटेशन करूं, बाबा बन जाऊं और खुद को थोड़ा सा कुछ सिखाऊं, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट सिखाऊं जिसकी वजह से लाइफ में फोकस बढ़े, डिसीजन मेकिंग स्किल अच्छी हो। खैर तो बस यार ये बहुत हुआ आज का गेम प्ले, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। जीत तो मैं कोई नहीं पाया, बट मैंने अपना ट्राई किया कि मैं जीत सकूं। अगले मैच में मिलते हैं, अगले मैच में ट्राई करेंगे हम जीतते हैं हारते हैं, तो ये सब देखने के लिए भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा और वीडियो लाइक कर दो ताकि मैं थोड़ा मोटिवेटेड होकर और बनाऊँ। मेरा मन ही नहीं करता वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि भाई बस पाँच सब्सक्राइबर 4 महीने में। खैर जोक्स अपार्ट, पर मैं ये पूछ रहा हूँ यार ऑनेस्टली, तुम लोग बताओ
ये मेरी फर्स्ट फेस कैम वीडियो थी, मैं चाहता था कि मैं एक फेस कैम बनाऊँ, इसलिए मैंने अभी मेरे पास इतनी हाई लेवल की चीज़ें नहीं हैं, पर उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो मैंने यहाँ पे ये न्यूज़पेपर लगाया हुआ है। तो फिर फेस कैम पे कैसी लगी, मैं और बनाऊँ या फिर सिर्फ वॉइस ओवर मुझे ट्राई करना चाहिए? कोई भी वॉइस ओवर मैंने इतना अच्छा बनाया नहीं है, बट मैं बना सकता हूँ, मैं ट्राई आगे भी करूँगा वॉइस ओवर कॉन्टेंट के साथ। लेकिन मुझे फिलहाल तुम ये बताओ कि ये कैमरा वाला कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो गिव अ बिग थम्स अप टू द वीडियो, अपने दोस्तों को शेयर करो यार, थोड़ी ऑडियंस बनाते हैं, थोड़ा साथ में खेलते हैं, चिल आउट करते हैं, मज़ा आता है। तो बस यार, जिंदगी में पॉजिटिव रहो, हंसते मुस्कुराते जिंदगी से लड़ाई करते रहो, और फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए गेम प्ले के साथ। बाय बाय।